नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संतन कुमार। दोस्तों, हम अभी गया में हैं और गया के गांधी मैदान के पास हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हेल्पलाइन नंबर 112 जो कि देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर दिखाइए थोड़ा, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि जो 112 जब से स्टार्ट हुआ है टोल फ्री नंबर, उसे क्या कभी कॉल आया है? तो सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और पोस्ट जानना चाहेंगे सर। हम 112 तरफ से व्हीकल का अभी ड्राइवर में डिटेल हैं। अच्छा अच्छा। कॉल आया था 9 तारीख को 11:30 बजे करीब में, मारपीट का मामला था, विवाद का। उसने लोग क्यू को एक्शन किए थे और हम लोग एक्शन जाकर उसको फर्स्ट एड के लिए भेजा मेडिकल हॉस्पिटल के पास में, यानी कि कार्रवाई की। कार्रवाई की तो क्या सर, कभी कभी फर्जी लोग टेस्ट करने के लिए भी कॉल करते हैं, क्या पुलिस आती है या नहीं? क्या कभी फर्जी कॉल आया है सर? हाँ, आता है। मतलब अभी तो मेरे पर कम आया, लेकिन आ रहे हैं ऐसे बहुत केस हैं। ट्राई में भी नया, इसलिए लोग करके ट्राई कर रहे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ है गया में? गया में 1 तारीख से स्टार्ट हो गया। 1 तारीख से तो लोगों को तो सुविधा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे कभी कभी होता क्या, मारपीट होता था, कोई मतलब सुनने वाला नहीं होता था। जब थाना जाता था तो कार्रवाई होता था, लेकिन अब तुरंत कॉल करेगा, तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना सर? यस यस। तो और इसे कुछ मतलब कि क्या लोगों को और क्या बेनिफिट होने वाला है? भरोसा बढ़ेगा, टाइम तक तो हम लोग डर था, दहशत था, उसे थोड़ा सा राहत मिलेगी। बहुत अच्छा सिस्टम है। और जैसे कोई कॉल करेगा सर, तो कॉल डायरेक्ट आपके पास आएगी या फिर कहीं ऑफिस इसका बना हुआ है सर? पटना से इसका कंट्रोलिंग है 112 का हेड ऑफिस है, वहाँ से लोकेशन के माध्यम से गाड़ी का आएगा, कहाँ पर मतलब कार्रवाई करना है उस व्हीकल से। हम लोग इसको 4 को अभी 3 पुलिस विभाग से, एक ड्राइवर शामिल, 4 आदमी हैं, चारों हेल्प के लिए वहाँ। अच्छा अच्छा सर, गाड़ी गया में क्या गो अभी अलाउट हुआ सर? 112 गाड़ी है अभी, 120 गाड़ी है। ये ऐसा मतलब कि हेल्पलाइन 112 हेल्पलाइन वाला 20 व्हीकल्स स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, पब्लिक को सुरक्षा मिलेगा, और जो टाइम का भी है वो काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाला है। इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या ख्याल है, आप कमेंट में बताइए। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।